तो एक बार फिर स्वागत है मेरे स्नैप ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कावड़ शिविर जो लगा हुआ हमारा यहाँ जयपुर में लोहिया पुल के पास। और ये रहा आठवां कावड़ शिविर, जांगिड़ ब्राह्मण शाखा सभा भद्रपुर एवं श्री श्याम प्रचार मंडल हिस्टन। ये सभी हमारे साथी बैठे हैं जो पिछले कई सालों से सेवा कर रहे हैं। और सभी भक्तों का स्वागत है। और ये देखें आप, इन्होंने पूजा के लिए शिवजी महाराज पूरा परिवार को बैठा रखा है साथ में, और राम जी की फ़ोटो विश्वकर्मा की ये। और इस तरह शिविर बहुत बड़ा शिविर है, देखिए आप ये पूरा शिविर यहाँ से आगे तक है। और ये तो शुरुआत करते हैं यहाँ से जहाँ से बोर्ड लगा हुआ है, ये अपना लोहिया पुल से पहले ही, ये जो बॉम्बे एक्सप्रेस बन रहा है इसी के ऊपर ही। और हमारे सभी साथियों ने शिविर क्यों लगा रखा है, ये हमारे सब सेवादार हैं। और ये आपको देख रहे हाईवे बन रहा है, और ये इधर से ही सभी जो कावड़िए हैं कावड़ लेके आ रहे हैं। और पिछले करीब एक हफ्ते से ही प्रोग्राम चल रहा है आगे तक। और ये देखिए नहाने के लिए पानी की व्यवस्था है, और सभी साथी जो भोले हैं सभी आए हुए हैं यहाँ पर। जय हो ये सभी। और ये हमारे रावत जी जो पिछले कई सालों से भी लगे रहते हैं साथ साथ, ये देखिए सभी। और ये ऐसी कावड़ लाकर यहाँ जगह बना देते हैं, ऐसी स्कूप रखते हैं जाके आ गए। ये हमारे साथी खेड़ी कला अहमदाबाद से, तो यहाँ सभी भोले बैठे हुए हैं। देखिए ये भाई आप कहाँ से हो? मीठापुर से। मीठापुर से ही, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये भाई साहब मीठापुर से हैं, पहुँचे कितने दिन लगे आपको आने में वहाँ से? पाँच छः दिन में। तो पाँच छः दिन भाई कह रहे हैं आ जाते हैं, और अभी यही विश्राम कर रहे हैं। और ये हमारे हाँ सभी ले गए, चिंता हो सभी। ये देखिए आप और इस तरह यहाँ का शिव भक्त बैठे सारे यहाँ पर। और आपको दिखाता हूँ सभी से, ये सब दूर दूर से कावड़ देख रहे शिविर में। देखिए आप पूरे यहाँ तक पूरी व्यवस्था कर रखी है, पंखे लगा रखे अंदर। और हेलो पंखे लगा रखे हैं सारे। ये देखिए पूरी व्यवस्था है, पूरे बारिश के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगा हुआ है यहाँ पर। और इधर जगह है, वहाँ जगह है, उधर जगह है। तो सभी बहुत श्रद्धा भाव से कितने दिन से चले होंगे सभी। और नमस्कार जी, देखिए अभी आराम कर रहे हैं यहाँ पर सभी भाई है। और अभी आपको दिखाते हैं ड्रोन से इसके पूरे शॉट यहाँ के। और आप देखिए ड्रोन के शॉट, फिर रात में अंधेरा हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे, अब उड़ाते हैं ड्रोन।
साथ ही आरती संपन्न हो गई है और हमारे पंडित जी ने आरती बोली और सभी शिव भक्त जो है उन्हें बढ़ चढ़ के आरती में हिस्सा लिया। तो निरंतर डेली सुबह शाम ऐसे आरती होती है यहाँ पर। और ये देखिए आप आरती के बाद जो बोले भंडारे में अभी विश्राम कर जी आगे देखिए। हेलो तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ रसोई दिखा रही है जो लगातार रसोई पिछले एक हफ्ते से चल रही है और अलग तरह का यहाँ पर खाना बनाया जाता है और दिखाते हैं रसोई तरह के अंदर आपको खाना। देखिए ये दाल है, सब्जी मिक्स में, रसगुल्ले, दाल और चावल, ये देखिए आप, और ये पत्ता जिसमें खिलाया जाता है, और ये रसोई है जो हलवाई लगातार लगे रहते हैं, इस तरह की रसोई है हमारी। देखिए और यहाँ पर केले का प्रसाद, हर तरह का प्रसाद देखिए आप, और ये देखिए आप ये पूड़ी चलती रहती है यहाँ पर, ये हमारे हलवाई लगे हुए हैं सभी, और ये रोटी बना रहे हैं यहाँ पर, और स्टैंड पूड़ी है और स्टैंड रोटी बनती है यहाँ की ब्राह्मण जांगिड जो कांवड़ शिविर लगता है। और ये आठवां कांवड़ शिविर है जो आठवां, इससे पहले सात लगा चुके और आठवां है, और पहले थोड़ा छोटा था फिर बढ़ते बढ़ते और आगे अब पूरा बढ़ गया ये, और परमात्मा चाहे अगले साल इससे और बड़ा होगा। तो जितने भी भोले हैं यहाँ पर आके रुकने पसंद करते हैं यहाँ पर, तो अभी खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर सारे, और ये खाना तैयार है अभी, और ये भोले बैठे हैं सभी, अभी यहाँ पर लंगर चलेगा और सभी भोले चखेंगे। क्या शानदार भाई जब सिद्धे संबंध पर चल रहे। पलवल में जा रही है देखिए, यह हो यह हो यह हो यह बोलेगी भाई, जय बोले जय बोलेगी। पानी सही है, पानी रूड मार ले, रूड मार ले, पानी सही है। तो साथ ही हमारे सारे सेवेदार हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ब्राह्मण जांगड़ जो सेवा समिति इनकी है, तो ये सभी इसमें बैठे हुए सेवादार, ये देख रहे हैं आप, ये निरंतर कई दिनों से कई सालों से सेवा कर रहे हैं, फिर भी आठवां शिविर है ये जो अब लग रहा है। देखिए ये सारे हमारे शिव भगत हैं सारे, तो इनकी सेवा बहुत बढ़िया सेवा है, हर बार ऐसे ही सेवा चलती है यहाँ पर। तो परमात्मा सभी को खुश रखे, शिव भगत जो भी हैं इनकी मनोकामना पूर्ण हो।
यहाँ पे लंगर चल रहा, देखिए सेवा अभी लग रहे थे यहाँ पर सेवा करने के लिए। रोटी बोले कपड़े बंदो सील ले लूँ मैं। लो रावत जी हम भी आ गए, ठीक है। जय बोले की सभी साथियों को। साथियों हमारा आठवां कांवड़ सेवा शिविर लोहिया पुल नियर आली विलेज, हर साल की तरह इस बार भी सभी समाज के बुद्धिजीवी एवं सामाजिक लोगों की सहयोग से लगाया गया। ये कांवड़ शिविर पिछले 6 दिन से लगातार भोलों की सेवा में चल रहा है। हजारों भोले यहाँ प्रतिदिन भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है और हम चाहते हैं अगले साल भी इससे भी भव्य शिविर जो है यहाँ पर लगे, ताकि भोलों को यात्रा में आराम मिल सके। जगह जगह ठहरने की व्यवस्था होती है, इसमें सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग जो इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, समय देते हैं, सेवा करते हैं, उन सभी का हमारी समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज यहाँ आकर के कवर किया इस प्रोग्राम को, और बहुत ही सुंदर आनंद रहता है। 5-6 दिन मेला ही मेला दिखाई देता है, यहाँ पे मन लगा रहता है। सारे सेवादार हमारे यहाँ आकर के मिलते हैं, बड़ा आनंद आता है, गपशप करते हैं और टाइम पास हो जाता है। 5-6 दिन कब बीत जाते हैं पता भी नहीं लगता। जय बोले। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग जो कांवड़ शिविर पे था। जैसे कल महाशिवरात्रि है और गंगा जल चढ़ाया जाएगा, के साथ की आज के ब्लॉग को ही करते हैं एंड। और जिन्हों जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय 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 बाय।